मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जहां पर कि मतदान हो चुके हैं और उसका परिणाम भी आ चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकौशल के कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट की, जहां से भाजपा के नेता संजय पाठक वर्तमान में विधायक हैं और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था कि यदि जनता का जो जनमत है, जनता का आदेश है 50% से अधिक रहेगा तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने अपने निजी तौर पर एक सर्वे भी कहा जा सकता है जनमत जुटाया था, और उस जनमत में आज जब मतगणना हुई है उसका परिणाम आए हैं तो 75% से अधिक उनको लोगों ने जनादेश जनमत दिया है कि आप चुनाव लड़े। एक संजय पाठक जो विधायक है, उन्होंने पर्चे बनवाए हुए थे साफ तौर पर बैलेट पेपर की तरह, बिल्कुल मत पेटियों की तरह बूथ बनाकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया हुई, चुनाव वोट डाले गए और मतगणना हुई, और उसके बाद जो बैलेट पेपर का एक आकार था उसमें जो एक बैलेट पेपर जिन लोगों को दिया गया था भरने के लिए, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि मैं विधायक आपका जनसेवक बनने लायक हूँ, मैं आगामी चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, और उसमें दो ऑप्शन दिए गए थे हाँ और नहीं का, जिसमें आज जो अभी मैं विजय रावत के बस स्टैंड में मौजूद हूँ, यहाँ से जो अभी मतगणना हुई है उसमें साफ तौर पर जनमत जो जुटाया है वो एक अद्भुत है, और उसमें 75% से अधिक लोगों ने उसमें साफ तौर पर हाँ बोला है कि हाँ आप चुनाव लड़िए। तो ये एक अनूठा, एक अद्भुत, ये कहना कह सकते हैं कि इसे ऐसा जो प्रयोग किया गया है, विश्व में पहली बार है जो चुनाव के पहले किसी नेता ने इस तरह का जनमत जुटाया है, और साफ तौर पर ऐलान किया था कि यदि 50% से एक वोट भी मुझे कम मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी जो लोगों का आशीर्वाद दिख रहा है ये अद्भुत है, अकल्पनीय तो नहीं कहूँगा, मुझे विश्वास तो था, लेकिन अद्भुत है इतना प्रेम मिलना। इससे इसके बाद चुनाव में क्या हो क्या नहीं उसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि जो आशीर्वाद चाहिए था, जो दिल जीतना था लोगों को, वो मुझे मिल गया। आशीर्वाद अगर घर परिवार का मिल गया उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इतने सारे लोगों ने मिल के मुझे चुनाव लड़ूँ या नहीं लड़ूँ के प्रश्न में लड़ने भेजा है, आशीर्वाद दे के, बहुत बड़ी बात। अपने आप में अनोखा प्रयास था और पूरे सूबे में इसकी चर्चा हो रही, ना केवल सूबे में बल्कि देश भर में इसकी चर्चा है। लाजमी एक कंसेप्ट यूनिक सा था, और भी लोग शायद इस चीज़ को सीखेंगे, लेकिन लाजमी विपक्ष अब कहीं ना कहीं कमजोर देखेगा। देखिए बड़ा खतरनाक था ये कॉन्सेप्ट लोगों की नज़र में भी। शुरुआत में जब मैं करने गया तो माता जी ने भी मेरे से बोला, बाबू जी के जितने साथ के थे सबने बोला ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा देखिए मैं अपने आप को जीवन की अग्नि परीक्षा में डाल रहा हूँ, जब मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करता हूँ, क्षेत्र का विकास करता हूँ, तो मैं भी तो परखूँ कि लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, वो मेरे लिए क्या चाहते हैं, कितना आशीर्वाद लोगों का है। देखो विधायक बनने के लिए तो 40-42-44% या 44% वोट मिलती है तो विधायक फिर से बन जाते हैं, लेकिन अगर 50% भी लोगों का परिवार का दिल नहीं जीता तो मैं समझता हूँ कि वो चुनाव लड़ना मेरे लिए बेईमानी था। इसीलिए जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला, आदरणीय अमित शाह जी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि हमको 51% का लक्ष्य लेके चलना चाहिए हर बूथ से जीतने का। तो मैं एक तरफ जहाँ पार्टी का भी निर्देश आदेश वो भी भाव, दूसरा स्वयं का मूल्यांकन कि मैं लोगों की नज़र में अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लोग क्या चाहते हैं, मैं लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, आगे सेवक बनूँ या नहीं बनूँ। और ये आज विश्व रिकॉर्ड भी बन गया कि लगभग 1,38,40,000 के आसपास लोगों ने मतदान किया और पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ मतदान हुआ। और ये प्रक्रिया भी आप देख रहे हैं कि सवेरे से प्रक्रिया चल रही है गिनती की, मतगणना की, ये भी पूरे आपके कैमरों के सामने हो रही है। इतना तो आपको चुनाव आयोग भी अंदर जाने नहीं देता, इतना आपको अंदर जाने मिल रहा है। और आज फिर कह रहा हूँ कि निष्पक्षता पर अगर सवाल उठेगा तो मेरे को अंतरात्मा दुखित होगी, जहाँ लोग बोलेंगे दोबारा चुनाव कराऊँगा, तिबारा कराऊँगा, चुनाव आयोग को लेकर कराऊँगा, निष्पक्षता जहाँ पर भी कुछ आए कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी पारदर्शिता। इस जनादेश के माध्यम से मुझे एक बड़ा लाभ ये हुआ है कि मैं एक एक घर हो लिया, मेरे कार्यकर्ता साथी बंधु एक एक घर हो लिए, तो उससे भी आपको ये पता चल गया कि कहाँ पे पानी के संकट था या बिजली की लाइन का संकट था या कोई और संकट जो हमारे तक नहीं आ पाती थी बातें, वो भी आ गई सामने, और अगर कोई रुष्ट है तो वो भी आ जाता है सामने। तो हर तरीके से इसका लाभ ही है, और ये नितांत व्यक्तिगत जीवन का अपने मूल्यांकन था और कुछ नहीं। विजय राघवगढ़ का ट्रेलर हमने सितंबर में देख लिया, कंक्लूजन दिसंबर में देखेंगे। मैंने फिर बोला कि मैं महाभारत का संजय नहीं हूँ, लेकिन आज आप सबके चैनलों पे कहना चाहता हूँ, सभी सम्मानित जनता को ये संदेश का अपने आग्रहपूर्वक निवेदन कर रहा हूँ
कि आज मेरे शब्द और आप सब मेरे इस वीडियो को जरूर संभाल के रखेंगे कि अभी नवंबर दिसंबर में होने वाले चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। भाजपा फिर से सरकार पे आ रही है, चाहे वो लाडली बैनर लाए, चाहे लाडली लक्ष्मी लाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास लाए, चाहे केंद्र की योजना लाए, चाहे प्रदेश की योजना लाए, और चाहे हम लोगों की कार्यकर्ताओं की सेवा भाव लाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। फिलहाल ये तो औपचारिक उनके जो जनमत उन्होंने जुटाया है, जनादेश लोगों से लिया है, उसके परिणाम तो आ गए हैं, लेकिन देखना लाजमी होगा कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तो भाजपा और कटनी की विजय राघवगढ़ सीट से संजय पाठक को कितने मत मिलते हैं और कितने वोटों से वो चुनाव का आंकड़ा पार करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 कटनी।